को पाला भुंतर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लगने से 15 लाख का सामान जलकर राख हो गया। दुकान के गले में पड़ा 19,000 कैश भी आग की भेंट चढ़ गया। आगजनी की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। SP कुल्लू गौरव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पाला भुंतर गारसा चौक लाल पुल के नजदीक होटल सिल्वर फेस बिल्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आगजनी की घटना घटी। दुकान मालिक दीपक घई, पुत्र जवाहर सिंह घई, गांव बरदाकर, पाला भुंतर तहसील भुंतर जिला कुल्लू का रहने वाला है। SP कुल्लू ने बताया कि फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। इस आगजनी में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। भुंतर से मेक सिंह कश्यप की रिपोर्ट।